सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें जानकारी देते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सांवेर विधानसभा की प्रत्येक गांव में भारत माता का पूजन और शहीदों को नमन कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चा के द्वारा भारत माता की आरती की जाएगी और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। विधायक रमेश मेंदोला ने बताया कि सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत में 279 गांवों में एक साथ सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती का कार्यक्रम ग्रामीणजनों की उपस्थिति में किया जाएगा। इसी के साथ देश की सुरक्षा में रहकर देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिक, विधानसभा के द्वार निवारण सभी शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा तथा वर्तमान में जो वीर जवान हमारी सेना में सेवारत कर रहे हैं वहीं प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सेवा कर रहे हैं, इन सम्मानित सैनिकों के परिवार के मुखियाओं का सम्मान करने का काम भी युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायतों के 279 गांवों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक गाँव में भारत माता की आरती, भारत माता का पूजन और शहीद परिवार, जिस गांव में शहीद परिवार उनका सम्मान करने का कार्यक्रम कल 8 बजे से 12 बजे के बीच में युवा मोर्चा के सभी साथी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरी सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में करने जा रहा है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम हम स्वतंत्रता दिवस का दिन चुना अखंड भारत और जिस तरीके का एक वर्तमान में वातावरण चल रहा है उसको लेकर युवाओं को जागरूकता और कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रभक्ति से जोड़े गांवों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा ये कार्यक्रम सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में करने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।